करना था कि मुझे बाइक ना जंप करवानी थी, 20 से 25 फीट का एक वॉल टाइप का एक सड़क होती है ऊंची, उससे मुझे बाइक जंप करवाना था। वो लोकेशन पहले ना मेरे को ओके, इन्होंने वहाँ पे लोकेशन अब देखो, वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैसे जो बच्चों का कि उसको थोड़ा बेवकूफ़ बना के तो जंप करवा देते हैं, ही शुड फील हर्ट। तो कुछ लोकेशन दिखाई, फिर मेरे को कुछ और वहाँ पे इंटरेस्टिंग लगा। हाँ, तो मैंने क्या किया, मैं एक साइकिल मंगवाया था, तो मैंने वो सेम चीज़ पहले साइकिल से शूट किया, ऐसा ऐसा कुछ तो स्पॉट से ऐसा कुछ करेंगे, तो शूट करके अनुराग को दिखाया, ही वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं हम लोग यहीं पर करते हैं ऐसा। श्याम सर और अनुराग सर ने दोनों ने प्लान कर लिया था आदित्य को आज हार्ट अटैक से मरवा देना है। प्रेरणा जो कि हमारी एडी थी, उन्होंने पूछा आदित्य तुम्हें सीन कर लोगे खुद, मैंने कहा कि हाँ मैं खुद करूँगा। जब मुझे स्क्रिप्ट दिया गया था तो अनुराग सर ने बोला था कि पूरा क्रेन होगा, पूरी टीम होगी, लोकेशन पे पहुँचने के बाद मैं देखता हूँ कि क्रेन किधर है, स्टंटमैन किधर है, पूरा कुछ था ही नहीं। तो फिर मुझे लगा कि चलो कुछ ना कुछ अनुराग सर ने सोचा होगा कैसे किया जाएगा। फिर लोकेशन पे मुझे बताया गया अनुराग सर ने कि आदित्य यहाँ पर क्रेन लगाने की जगह नहीं है, तो मुझे भी लगा क्रेन लगाने की जगह नहीं है। उसको सीरियसली पूछा था और सीरियसली वो बोला नहीं मैं स्टंट कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा वो स्टंट। मैं उसको सवेरे वही डांट लगाया, स्टंट मैन आया नहीं अभी, ठीक है मैं करता हूँ। अब क्या करेगा, कैसे करेगा, तो बाइक का बैलेंस आता है, करता हूँ क्या मतलब क्या हवा में करता हूँ थोड़ी, आदमी तो ऐसा कोई बोले तो ऊपर से हाइट पे खड़ा हो जाए नीचे कूदे तो कोई भी कूदेगा ना। अरे तो कोई थोड़ी ना मुंह में ब्लेड रख सकता, तूने प्रैक्टिस की ना उसके लिए, कितने महीने प्रैक्टिस की मुंह में ब्लेड रखने के लिए? 1 साल। फिर 1 साल प्रैक्टिस कर मुंह में ब्लेड रखना है। हाँ क्या होता है बेटा, कुछ भी करना अलग बात है, उसको सेफली करना दूसरी बात है। तो सेफली होना चाहिए, कुतुब मीनार से पूछ जाओ, फिर खड़ा है तो उसमें कोई मालूम है मेन है आपको अपने आप को कैसे बचाना। तो फिर वो बाइक के साथ शूट किया और उस दिन कुछ बड़ा ऐसा भी, तो बेचारा वो बच्चा था उसको सब मस्ती कर रहे थे कि तेरे को जंप करना है नीचे, तो वो तो बड़ा घबराया हुआ था कि इतनी हाइट से मेरे को, तो उसको बेचारे को सिनेमा का मालूम नहीं था। तो फिर सब उसको राग बोल रहे थे इससे ले लो सिग्नेचर के, हम लोग जिम्मेदार नहीं है कुछ भी हो जाए इसको, तो पेपर प्रॉपर पेपर पे साइन करवा ले उससे पहले, उसका स्टंट करवाएंगे। फिर अनुराग सर ने बोला कि एम्बुलेंस बुलाया जाए, उन्होंने प्रोडक्शन वाले को बोला कि आदित्य के लिए एम्बुलेंस बुलाओ, इन केस अगर मर जाता है या कुछ हाथ पैर टूट जाता है तो जल्दी से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस बोला कि एम्बुलेंस और डॉक्टर स्टैंड बाय, एक एम्बुलेंस और डॉक्टर स्टैंड बाय, किसी लेके जाना पड़ेगा सीधा नहीं जल्दी। इसको पूछा प्रेरणा ने स्टंट के लिए, वो तो मुझे अभी पता चला प्रेरणा ने, तो इसको पूछा था स्टंट के लिए, स्टंटमैन के लिए इसको पूछा था, स्टंटमैन के लिए पूछा था ना तुमने? कब पूछा था? कल सर, जब स्टंटमैन की रिक्वायरमेंट देने के लिए बोला, 3-4 दिन हो गए, रमा दीव का जब कर रहे थे पहला दिन, खुद ही अपना वो लिख के लाते ना हो भाई, पहले पेपर साइन करा लो, रिकॉर्ड करा लो, तो अब ऑप्शन नहीं अभी कहाँ से लाया टेंपल ताकि ढूंढ के ला गाँव में से जो तेरे साइज का। फिर श्याम कौशल जो हमारे एक्शन डायरेक्टर हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आदित्य मैंने बॉम्बे फ़ोन किया, कोई भी बॉडी डबल ए स्टंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको लगता है कि इसमें बचने के चांसेस नहीं है, मरे ना लेकिन हाथ पैर तो टूटना है, तो तुम पागल हो क्या, क्यों तुमने हाँ बोल रहा है? मैंने बोला सर मुझे लगा कि मैं कर लूँगा, जिस तरीके से मुझे उस समय सारी चीज़ें बताई गई थी उसके हिसाब से मेरे मन में आया कि मैं कर लूँगा। तो फिर सर ने बोला कि ठीक है करो, तुम जाओ मरो, मुझे पता था कि मैं बचने वाला नहीं हूँ, और मैं अपने पापा को फ़ोन लगाने वाला था कि पापा एक ऐसा ऐसा सीन है जिसमें मेरा हाथ पैर जा सकता है या फिर मैं ना बचूँ, और मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि मैंने हाँ कर दिया, अगर मैं ना करूँगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तकरीबन 20 से 25-50 लाख रुपए का नुकसान हो जाता अगर वो शूट कैंसिल होता तो। ऐसे भी आखिरी सीन है, कुछ हो गया तो हम लोग देख लेंगे बॉम्बे में, ठीक है इंश्योरेंस करवा देना 50-60 लाख रुपए का मेरे पास, वो सब हो जाएगा, सब पहुँच जाएगा तुम्हारे पापा को, तुम तैयार रहो। हाँ बोलो। तो फिर डरते डरते मैंने बोला सर मैं करता हूँ, तो सर ने बोला ठीक है जाके अग्रीमेंट साइन करो, तो अचानक श्याम सर को लगा कि मैं रो दूंगा, तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये सब लोगों का षड्यंत्र है कि और कि मुझे रुलाया जाए, मुझे परेशान किया जाए।
फिर बाद में श्याम सर ने बताया कि ये तुम्हारा बॉडी डबल है, बॉम्बे से मैं इसको अभी अभी लाया हूँ। फिर मेरी जान में जान आई, एक्चुअली मैं रोने 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 को आया था। फिर अनुराग सर को मैंने परेशान करके यार छोड़ दिया था उन्होंने। यहाँ से घूमते कुछ भूल जाएगा। बाकी लोग भी एक्टर हैं, तेरे को ये मालूम पड़ गया, सिर्फ तुम लोग एक्टिंग नहीं करते। मैंने इसको बोला जाके बोल दे तू कि मैं नहीं कर पाऊंगा। हम लोग भी एक्टिंग आती ना, हम लोगों को भी जी।